हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक हेल्थ। फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक डोर सिक्योरिटी अलार्म सर्किट बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकॉन है उस आइकॉन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर उस आइकॉन को आप लोग क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा और उस वीडियो को आप लोग तुरंत ही देख पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। दोस्तों, ये एक डोर सिक्योरिटी अलार्म सर्किट है। फ्रेंड्स, देखिए सर्किट में यहां पर मैंने एक सेंसर लगाया है। दोस्तों, इस सेंसर के सामने हमें एक मैग्नेट रखना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए सर्किट में मैंने यहां पर एक रिले, यहां पर एक बजर और यहां पर एक 9 वोल्ट बैटरी कैप लगाया है। दोस्तों, ये सर्किट 9 वोल्ट पावर सप्लाई से काम करेगा। दोस्तों, इस सर्किट को आपको दरवाजे के अंदर की तरफ लगाना होगा। दोस्तों, सर्किट को दरवाजे में लगा दीजिए और जो मैग्नेट है उसे दरवाजे के फ्रेम पे लगा दीजिए। उसके बाद अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो दोस्तों इस सेंसर के सामने से मैग्नेट हट जाएगा और ये बजर बजने लगेगा। दोस्तों, जब तक इस सेंसर के सामने मैग्नेट रहेगा तब तक ये रिले एक्टिवेट रहेगा, और दोस्तों जब तक ये रिले एक्टिवेट रहेगा तब तक बजर नहीं बजेगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सेंसर के सामने से मैग्नेट हटेगा ये रिले ऑफ हो जाएगा और दोस्तों रिले ऑफ होते ही बजर बजने लगेगा। तो दोस्तों, ये सर्किट ऐसे काम करेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक ब्लैंक पीसीबी बोर्ड का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक हॉल इफेक्ट सेंसर। दोस्तों, यह सेंसर आपको आसानी से किसी खराब पीसी फैन से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई खराब पीसी फैन है तो उसमें से इस सेंसर को निकाल लीजिए। उसके बाद दोस्तों, देखिए इस सेंसर में टोटल 4 पॉइंट्स है। फ्रेंड्स, देखिए यह है इस सेंसर का 1 नंबर पॉइंट, यह है 2 नंबर पॉइंट, यह है 3 नंबर पॉइंट और दोस्तों यह है इस सेंसर का 4 नंबर पॉइंट। और फ्रेंड्स, ये जो 1 नंबर पॉइंट है यह है इस सेंसर का पॉजिटिव पॉइंट, ये जो 2 नंबर पॉइंट है यह है इस सेंसर का आउटपुट पॉइंट, ये जो 3 नंबर पॉइंट है यह भी इस सेंसर का आउटपुट पॉइंट है, और दोस्तों ये जो 4 नंबर पॉइंट है यह है इस सेंसर का नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए अब हमें इस सेंसर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद इसे हम लोग सर्किट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स, देखिए अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों, अब हमें एक तार इस सेंसर के 1 नंबर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। तो दोस्तों, ये एक लाइन जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये लाइन हो गया इस सर्किट का पॉजिटिव लाइन। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें लेना पड़ेगा दूसरा तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों, अब हमें इस तार को सेंसर के 4 नंबर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। तो दोस्तों, ये भी एक लाइन जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये लाइन हो गया इस सर्किट का नेगेटिव लाइन। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक BC557 ट्रांजिस्टर। दोस्तों, देखिए यह है इसका एमिटर पॉइंट, यह है इसका बेस पॉइंट और यह है इसका कलेक्टर पॉइंट। दोस्तों, यह एक PNP ट्रांजिस्टर है। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए अब हमें इस ट्रांजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। दोस्तों, देखिए ट्रांजिस्टर का जो कटा हुआ भाग है यह है इस साइड में और जो राउंड पोर्शन है यह है इस साइड में। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए अब हमें ट्रांजिस्टर का जो एमिटर पॉइंट है उस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ। उसके बाद ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट और कलेक्टर पॉइंट हम लोग सर्किट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स, देखिए
अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों अब हमें इस तार को ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ सोल्डर करना है। उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है सेंसर के 3 नंबर पॉइंट के साथ। और दोस्तों अगर आप चाहें तो आप इस तार को सेंसर के 2 नंबर पॉइंट के साथ भी सोल्डर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर आप इस तार को सेंसर के 3 नंबर पॉइंट के साथ सोल्डर करेंगे तो दोस्तों आपको मैग्नेट का साउथ पोल सेंसर के सामने रखना होगा। और दोस्तों अगर आप इस तार को सेंसर के 2 नंबर पॉइंट के साथ सोल्डर करेंगे तो दोस्तों आपको मैग्नेट का नॉर्थ पोल सेंसर के सामने रखना होगा। तो दोस्तों ये चीज ध्यान में रखिए। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 6 वोल्ट रिले। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इस रिले को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लेकिन दोस्तों लगाते समय आपको एक चीज ध्यान में रखना है, रिले के जिस साइड में 3 पॉइंट है वो साइड रहेगा सर्किट के इस साइड में, और दोस्तों रिले के जिस साइड में 2 पॉइंट है वो साइड रहेगा सर्किट के इस साइड में। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें रिले को सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों अब हमें एक तार को रिले के इस पॉइंट के साथ सोल्डर करना है। उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ। उसके बाद दोस्तों अब हमें लेना पड़ेगा दूसरा तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों अब हमें इस तार को सोल्डर करना है रिले के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और एक तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों अब हमें इस तार को रिले के मिडिल पॉइंट के साथ सोल्डर करना है। उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक बजर। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इस बजर को सर्किट के ऊपर गम से ऐसे फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें बजर का जो नेगेटिव तार है उस तार को हमें सोल्डर करना है डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ। उसके बाद बजर का जो पॉजिटिव तार है उस तार को हमें सोल्डर करना है रिले के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 9 वोल्ट बैटरी कैप। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इस बैटरी कैप का जो नेगेटिव तार है उस तार को हमें सोल्डर करना है डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ। उसके बाद बैटरी कैप का पॉजिटिव तार हम लोग डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इस सर्किट का सर्किट डायग्राम एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है इस सर्किट का सर्किट डायग्राम, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। दोस्तों देखिए, इस सर्किट के साथ मैंने यहां पर एक 9 वोल्ट बैटरी कनेक्ट किया है। तो दोस्तों चलिए अब हम इस मैग्नेट को सेंसर के सामने से हटा के देखते हैं क्या होता है। दोस्तों देखिए, मैग्नेट को सेंसर के सामने से हटाते ही बजर बजने लगा। और दोस्तों देखिए, मैग्नेट को सेंसर के सामने ले जाते ही बजर बंद हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से अपने घर में एक डोर सिक्योरिटी अलार्म सर्किट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को जरूर ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज इतना ही, आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में।
तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।